साबूदाने के बहुत ही मज़ेदार व्रत के लिए कटलेट्स बनाना बताऊंगी। कटलेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाइट वाले साबूदाने लिए हैं, तो अब हम इसका एक महीन पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, इसको हम बहुत ज़्यादा पाउडर जैसा नहीं बनाएंगे। अब हम जार में रोस्टेड मूंगफली, मिर्ची और अदरक को डालकर इसे भी अच्छे से पीस लेंगे। इस पाउडर को भी हम पिसे हुए साबूदाने में मिक्स कर देंगे। चार उबले हुए आलूओं को इस तरह से मसल कर डाल देंगे। पनीर को भी हम इस तरह से क्रम्बल करके डाल देंगे। अगर आप पनीर नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। महीन कटा हुआ हरा धनिया, आधी चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, आधा चम्मच जीरा, सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 से 3 चम्मच पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। हाथों पे तेल लगा लेंगे और इसे कटलेट का हम शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हम सारे कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। कटलेट्स बनकर तैयार हैं तो अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई के लिए मैंने तेल यहाँ पहले से गर्म कर लिया है, तो हम इसमें कटलेट्स को डालते जाएंगे। और अब हम इन्हें मीडियम गैस पर ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हमारे साबूदाने के कटलेट्स बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बने हैं। तो व्रत के लिए ही नहीं, स्नैक्स टाइम पर भी आप इनको बनाकर खा सकते हैं। तो एक बार इस तरह से इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।